आपकी पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा, रिश्वत लेते, ये देखिए कितने दूध के दुले हुए हैं। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई, ऐसे ये दूध के दुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है, हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है। तब मुझे आप सबके समक्ष ये जानकारी रखनी है कि आज जो सीबीआई की रेड है, इससे इतना क्यों घबराए हुए हो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? इट इज जस्ट ए इंक्वायरी, आप उनका जवाब दीजिए। लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्या करेंगे? ये देखो जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, अब हमको हमारे देश को न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्टिफिकेट दोगे आप अरविंद केजरीवाल? न जाने भारत के खिलाफ कितने फेक और निगेटिव न्यूज के जिम्मेदार न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट आप लो अरविंद केजरीवाल जी, भारत को जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी पेड न्यूज की क्या मास्टरी है, लेकिन हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। आप क्यों बता रहे हो? क्या यह शिक्षा नीति पे कोई घोटाला है, उस पर सीबीआई रेड हुआ है? क्या स्वास्थ्य का घोटाला है, उस पर कोई सीबीआई रेड हुई है? नहीं साहेब, ये रेड हुई है शराब नीति के ऊपर, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। 8,000 करोड़ तो सामने दिख रहा है, लेकिन अब ये समझते हैं कि चूंकि अरे भाई छोड़ो ना, मुझे शराब नीति हमने वापस ले ली, अब क्यों हमको जान के लाले पड़े हुए हैं? भाई थोड़ा सा छानबीन हो जाने दिया जाए। आप जांच से भाग रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी दाल की पूरी हंडी ही काली है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक और जवाब आया आम आदमी पार्टी से, उनके एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी टीवी पे बैठ रहे, किसी चैनल पे, किसी अखबार से, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इस शराब नीति में क्या घोटाला हुआ। तुरंत जैसे पूछेंगे, शिक्षा नीति में हमारा देखे ना न्यूयॉर्क टाइम में छपा हुआ है। अरे न्यूयॉर्क टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है, जब नीहा एक बच्ची को लगाए हुए और दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं? छोड़ दीजिए, माफ करिए, हमको न्यूयॉर्क टाइम्स और किसी टाइम्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आज आम आदमी पार्टी ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनसे जब कई चैनलों ने पूछा कि भाई आप ये बताओ ना कि जो आपकी योजना इतनी अच्छी थी शराब नीति, वापस क्यों लिया जांच शुरू होते ही, तो ये कहते हैं हमको सीबीआई और ईडी से डरा दिया गया इसलिए हमने वापस ले लिया। एक लाइन इनकी पूरी इस मोडस ऑपरेंडी क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए काफी है। सीबीआई और ईडी किसी को डरा देगी और डर जाएंगे, लेके भाग जाएंगे अपना। इसका मतलब कि आपने दिल्ली के खजाने की, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की बड़ी लूट की है, जिससे बचने के लिए आप सोचे कि भैया हम छोड़ देते हैं, अब इसमें जांच मत करो। लेकिन जांच तो रुकती नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान, कुछ संशोधन, उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं आज दिन में, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताई होगी, हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भी कुछ जानकारी दी होगी, हम आपके सामने ये जानकारी रखते हुए कि ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम सीबीईडीआई के डर, सीबीआई और ईडी इसके डर से हमने ये अपना शराब नीति वापस ले लिया। तो भैया मेरा ये मानना है कि एजेंसीज को ये भी चेक करना चाहिए कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ केस है।
एजेंसीज को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या इन्होंने ये चक्र अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया है कई तरह से, और ये भी जांच करना चाहिए एजेंसीज को कि इन्होंने इन पैसों का कहां कहां दुरुपयोग किया है। क्या उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, ये सब चुनाव दिल्ली के नहीं लूट के पैसों से हुआ? क्योंकि एक तो मैं 1,51,564 करोड़ का हिसाब मांग ही रहा था अभी दो दिन पहले यहीं बैठ के आप सबसे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ये बताए कि शराब नीति में कितनी लूट हुई है, कहां पर इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके एक स्टेटमेंट से जो स्वीकारोक्ति है कि हम सीबीआई और ईडी से डर गए थे इसलिए हमने वापस ले लिया, तो इनको अपने पद से मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं और ऐसे भयानक बड़े घोटाले में, शराब घोटाले में फंसी ऐसे मिनिस्टर को तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। ये भी मांग करते हुए मैं आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय बात शराब नीति की हो रही है, उस पर आप बात करें। धन्यवाद जी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।